बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद, लगातार यहां पर उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर एक एक करके सारा सच सामने आ रहा है। बृजभूषण की मानो तो यहां पर वो ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरे खिलाफ अगर सारे सबूत मिल जाते हैं या मैं यहाँ पर कसूरवार नजर आता हूँ तो सीधे तौर पर फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर सबूत पेश होते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की बोल और हाव भाव भी साफ तौर पर बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए बृजभूषण शरण सिंह देखा गया है। महिला पत्रकार जो सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछती हुई नजर आ रही थी और उन सवालों से कहीं ना कहीं बौखलाते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने यहाँ पर उनके माइक को तोड़ा और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष, वो सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह पर खुलासा करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। एक महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो, पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा। उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है बृजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बृजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे दो सवाल है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि बृजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि बृजभूषण उनका ही MP है, उनका ही सांसद है। मैं ये जानना चाहती हूं कि कब तक बृजभूषण जैसे गुंडे को केंद्र सरकार संरक्षण देगी और बचाएगी? क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है? ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जिस आदमी की जगह जेल है अब वो संसद में बैठकर देश के कानून बनाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा? जैसे कि आपने स्वाति मालीवाल को सुना, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर अब बच नहीं सकता है और उसे बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह एक गुंडा है और गुंडा होने की वजह से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही बल्कि उसे बचाती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह का बचना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब 18 जुलाई से पहले यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का सारा सच सामने आ गया है।